नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। टीवी डिबेट के दौरान विवादित टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से जोरदार फटकार लगी है। और कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिगड़े हालात के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। दरअसल नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इन मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद नुपुर के वकील ने दूसरे कानूनी रास्ते अपनाने की बात कही है। उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी नुपुर शर्मा अपने लिए राहत की उम्मीद करते हुए, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जोरदार फटकार लगाई गई। और इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो हालात देश में बने हैं उसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार हैं। अब आपको नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी दिखाते हैं, जिसमें न सिर्फ नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई गई है, बल्कि FIR दर्ज कर कार्रवाई नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस से भी सीधे सवाल पूछे गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने देर से माफी मांगी, वो भी शर्त के साथ। तो ये तमाम वो बातें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कही गई, आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए, आपने अपने बयान से पूरे देश में आग लगा दी। तो कुछ इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है नुपुर शर्मा को। वकील होकर भी गैर जिम्मेदाराना बयान आपने दिया है, सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए, यह भी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी होती है, यह भी कहना था सुप्रीम कोर्ट का। जब अपने लिए राहत की उम्मीद करते हुए नुपुर शर्मा कोर्ट पहुंची तो कुछ इस तरीके से उन्हें फटकार मिली। अब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नुपुर शर्मा को फटकार लगाई बल्कि दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लेकर, यह भी जानिए। नुपुर के खिलाफ पहली FIR दिल्ली में, तो क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मामले पर, यह सवाल पूछा। दिल्ली पुलिस ने शायद रेड कार्पेट बिछा रखा है, क्योंकि जिस तरीके का ट्रीटमेंट नुपुर शर्मा को मिल रहा है, कुछ इस तरीके का की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर भी की है। तो बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा के बयान पर करीब एक महीने से घमासान मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर गए, हिंसा में कुछ लोगों की जान भी चली गई, विदेशों तक में हिंदुस्तान की फजीहत हुई। आपको बता देते हैं इस पूरे मसले में कब कब क्या कुछ कैसे हुआ। शुरुआत 3 जून से आप कह सकते हुई, जब कानपुर में अचानक जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर गए, जबरन दुकानों को बंद कराया जाने लगा, पुलिस पर भी पथराव हुआ। कानपुर में किसी तरह पुलिस ने शांति कायम की, तो अगले हफ्ते फिर से जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई दूसरे शहरों समेत देश के कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतर गए, हंगामा, हिंसा और आगजनी की गई। रांची में तो 2 लोगों की जान तक चली गई थी। इसी दौरान कई अरब मुल्कों ने अपने देश में भारतीय राजदूतों को तलब कर नुपुर के बयान के विरोध में आपत्ति भी दर्ज कराई। तो इस पूरे फसाद में सबसे ताजा और जघन्य घटना 28 जून को हुई, जहां एक आम आदमी कन्हैया लाल को उसकी दुकान में घुसकर धारदार हथियार से कुल उस पर 26 वार किए गए। कन्हैया लाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और फिर इस घटना के विरोध में राजस्थान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे। राजस्थान में महीने भर के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। निपुण, इस पूरे मसले पर जो कोर्ट की टिप्पणी रही, उससे ये साफ हो गया कि राहत तो नुपुर शर्मा को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, अब उनकी आफत किस तरीके से बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़े किया कोर्ट ने। बिल्कुल, राहत तो कोई मिली नहीं, राहत के लिए आई थी, लेकिन आफत जरूर बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आपको विशेष दर्जा मिल रहा है, आप किसी की शिकायत कर दें तो वो गिरफ्तार हो जा रहा है, लेकिन आपके लिए तो लगता है दिल्ली पुलिस रेड कार्पेट बिछाकर बैठी है। एक FIR दर्ज हुई है, आप बता रही हैं कि आप जांच में सहयोग कर रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है उस मामले में, और आप ये कह रही हैं कि देश भर के सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दें, आपको दिल्ली पुलिस ने विशेष दर्जा दिया होगा। हम ऐसा कोई दर्जा देने नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि आप अलग अलग ट्रायल कोर्ट में जाइए, वहां से जमानत मांगिए, या उस राज्य की हाई कोर्ट में जाकर ये कहिए कि आपको आपके मुकदमे में आपको राहत दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं देगा। तो ऐसे में ना सिर्फ नुपुर शर्मा के सामने अब विकल्पों की कमी हो गई है, उन्हें हर राज्य में जाकर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, बल्कि दिल्ली पुलिस भी दबाव में है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप तो रेड कार्पेट बिछाकर बैठे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को भी निश्चित रूप से अब ये दिखाना होगा, अपनी इज्जत बचानी होगी और कुछ कार्रवाई जरूर करनी होगी। अब इस पूरे मामले में उदयपुर को लेकर जो कोर्ट की टिप्पणी थी निपुण, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी हालिया ये जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर भी घेर लिया गया नुपुर शर्मा को।
बिल्कुल बहुत अहम टिप्पणी है, क्योंकि जैसे ही नुपुर शर्मा के वकील वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अपनी बातें रखनी शुरू की तो दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रुकिए, आपके गैर जिम्मेदाराना बयान के चलते पूरे देश में आग लगी हुई है, आप जिम्मेदार हैं देश के बिगड़े हालात के लिए और उदयपुर में जो घटना हुई है वो भी आपके बयान का ही नतीजा है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया है, देश भर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे जुमे की नमाज के बाद पथराव की घटनाएं हुई हैं, गोली चलने की घटनाएं हुई हैं, या जो उदयपुर में हाल में घटना हुई है कन्हैया लाल की जिस तरह से हत्या हुई है, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं और उन्होंने देर से माफ़ी मांगी और शर्तों के साथ माफ़ी मांगी कि अगर किसी को चोट पहुँची हो, ठेस लगी हो मेरी बातों से तो मैं बयान वापस ले लेती हूँ। कोर्ट ने कहा आपको तो राष्ट्रीय टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी क्योंकि आपने देश का माहौल खराब किया है। बहुत शुक्रिया निपुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो निपुण सहगल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि राहत तो कोर्ट से नहीं मिली लेकिन आफत अब जरूर बढ़ सकती है नुपुर शर्मा की। इस बड़ी कवरेज पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। पूर्णिया सिटी जानी ना, पूर्णिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।